बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर से बहन भाइयों सबको मेरा सलाम और दिल की गहराइयों से मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ। और मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी ये गुजारिश ज़रूर करूँगी और करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक आखिर तक ज़रूर देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से बाहर है मेरी, उनसे भी यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हमने सोचा था आज का हमारा ये टॉपिक, हमने सोचा था कि आज हम दिखाते हैं कि हमारा रहन सहन, हम कराची में किस तरह से रहते हैं। ये देखें व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि चले आपके साथ शेयर कर लें। दो दिनों के तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा, और अभी मुझे टाइम मिला है। मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं और थोड़े से अपने घर के कुछ अपने ज़िंदगी के कुछ पहलू है, कुछ ऐसे पहलू हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये हमारी चारपाई हैं। यहाँ पे मेरे बेटी और बेटा, बड़ा बेटा, और ये देखें व्यूअर्स, ये एक चारपाई है जिस पे मेरा बेटा और मेरी बेटी सोती है। यहाँ पे मैं और मेरी छोटी बेटी सोती हूँ। चले व्यूअर्स, हम लेकर आते हैं अभी पंखा। हम आपको ये भी बताते हैं कि हम लोग कराची में हम लोग पंजाब जैसा माहौल रखते हैं, क्योंकि कराची में छोटे छोटे घर होते हैं ना, हमें घुटन होती है, बहुत ज़्यादा हमें घुटन होती है, हमारा दिल घबराता है। अल्लाह के फजल करम से ये किसी की मेहरबानी पर हमें ये इतना बड़ा घर मिला, तो हमें कुछ हमारा सांस पूरा हो जाए, यहाँ पे हमें सुकून मिलता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा पंखा है, हम बिजली से ये पंखा निकालेंगे। ये हमारा छोटा सा फैन है, ये सिर्फ इतना है कि दो चारपाइयों पर हवा दे सके। ये व्यूअर्स हम यहाँ रखेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि देखें हमारा चारपाई, हमें ना यहाँ पे रात को ठंडी ठंडी हवा लगती है, मौसम अच्छा होता है, नींद भी ऐसे सुकून से आती है, लाइट चली जाए हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि लाइट है या नहीं, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह का ऐसे चल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे घर में देखो दरख्त भी हैं, इनकी हवा इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी चले। व्यूअर्स, हम बिस्तर लेकर आते हैं बिछाने के लिए। ये हमारा छपरा है जो हम दोपहर में यहीं बैठ कर सिलाई करते हैं, धूप की वजह से बनाया हुआ हमने। यहाँ पर इस पे इस जगह सोते हैं मेरा जेठ और इस जगह मेरे मियाँ सोते हैं। व्यूअर्स आए हम, ये बिछाते हैं और आराम से बैठते हैं, सुकून करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक चारपाई का बिस्तर बना लिया है और एक चारपाई का रह गया है। ये देखें व्यूअर्स, वाह वाह, कितना मज़ा आता है ना रात में सोने में, यहाँ पे ऐसी ठंडी ठंडी हवा लगती है, पंजाब जैसा माहौल है। हम कराची में रहकर भी हमें एहसास नहीं होता कि हम कराची में रह रहे हैं, हमें यही लगता है कि हम पंजाब में रह रहे हैं। हमें देखो कितना अच्छा हमारा खुला सहन है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं करा उसे जल्दी से प्रेस कर लें। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर। चलें व्यूअर्स, अब मिलते हैं चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह।